केंद्रीय जांच ब्यूरो ने सोमवार को उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर कर कोयला खदान आवंटन मामले की जांच कर रहे 39 अधिकारियों के दल में एक और अधिकारी को शामिल करने की अनुमति मांगी है। इससे पहले उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई को निर्देश दिया था कि कई करोड़ रुपए के इस घोटाले की जांच कर रहे दल में कोई बदलाव नहीं किया जाए। यही कारण है कि जाँच एजेंसी ने शीर्ष अदालत में ये याचिका दायर की है। सीबीआई की टीम ने 2G स्पेक्ट्रम घोटाला मामले में डीएमके प्रमुख एम करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल से सोमवार को उनके घर पर बयान दर्ज किया। इससे पहले सीबीआई के विशेष अदालत के जज ओपी सैनी ने अम्मल से गवाही लेने के लिए चेन्नई के मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट को आयुक्त नियुक्त किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें स्वास्थ्य के आधार पर सीबीआई की विशेष अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट देते हुए उनके घर पर बयान रिकॉर्ड करवाने का निर्देश दिया था। उच्चतम न्यायालय ने हरियाणा में कॉलोनियां विकसित करने के लिए रॉबर्ट वाड्रा सहित कई रियल एस्टेट डेवलपर्स को लाइसेंस दिए जाने के मामले की सीबीआई जांच के लिए दायर जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने सिर्फ वाड्रा को निशाना बनाए जाने और लाइसेंस प्राप्त करने वाले दूसरे व्यक्तियों के नामों का जिक्र याचिका में नहीं करने पर याचिकाकर्ता को आड़े हाथ लिया। न्यायालय का कहना था कि ये सब सस्ते प्रचार के लिए किया गया है। पिछले महीने मुंबई की अदालत से फरार होने वाला इंडियन मुजाहिदीन का कार्यकारी अफजाल उस्मानी को महाराष्ट्र एटीएस की टीम ने फिर पकड़ लिया है। 2008 में अहमदाबाद में हुए बम धमाकों में उस्मानी के शामिल होने का आरोप है। वो 30 सितंबर को मकोका अदालत से पेशी के दौरान फरार हो गया था। आतंकी यासीन भटकल और उसके एक साथी आसदुल्ला अख्तर को 15 दिनों के लिए पुलिस रिमांड में भेजा गया है। दिल्ली पुलिस ने सोमवार को यासीन और अख्तर को 2011 के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया और उसके रिमांड की मांग की। ये मामला दिल्ली के मीर विहार का है, जहां यासीन भटकल समेत 16 लोगों को अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने के सिलसिले में गिरफ्तार किया गया था। इंडियन मुजाहिदीन के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे यासीन की पुलिस रिमांड इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि पटना में कल हुए सिलसिलेवार बम धमाकों में शक की सुई आईएम की ओर जा रही है। गुलबर्गा सोसाइटी दंगा मामले में जांच कर रही एसआईटी की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ जकिया जाफरी की याचिका पर अहमदाबाद की स्थानीय अदालत ने सोमवार को फैसला 2 दिसंबर तक टाल दिया है। ये मामला वर्ष 2002 के दंगों में कथित षड्यंत्र के सिलसिले में गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को क्लीन चिट देने से जुड़ा हुआ है। दिल्ली की एक अदालत ने मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर 5,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। भाजपा नेता विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में अदालत में हाजिर नहीं होने पर दीक्षित पर ये जुर्माना लगाया गया। अदालत ने उन्हें बिना कोई बहाना बनाए 27 जनवरी को मौजूद होने को भी कहा है। आरबीआई ने मैक्रो इकोनॉमिक रिपोर्ट जारी कर दी है। वित्त वर्ष 2014 के लिए आरबीआई ने ग्रोथ का अनुमान 5.7% से घटाकर 4.8% किया है। हालांकि आरबीआई के मुताबिक कृषि में सुधार और निर्यात बढ़ने की वजह से वित्त वर्ष 2014 की दूसरी छमाही में ग्रोथ थोड़ी बेहतर रह सकती है। रेपो रेट बढ़ने की आशंका से बाजार में 0.75% तक की गिरावट आई। सेंसेक्स 113 अंक गिरकर 20,570 और निफ्टी 44 अंक गिरकर 6,101 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर 1 से 0.5% गिरे।